मैंने 2 दिन पहले CPU MMC का काम किया था, आज मैं पावर IC छोटे छोटे जितने टेस्टेड IC है उसका सारा काम है। तो ये ऑन, वो ऑन है बिल्कुल, फोन बिल्कुल ऑन है, अभी इसका निकालूंगा और लगाऊंगा। चालू फोन पे आप काम कर रहे हैं, तो बात बताइए प्रिंस जी, पहले दिन से लेके अभी तक का कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट रहा। जो सोच के आप एशिया टेलीकॉम ज्वाइन किए थे उससे भी बेटर सर, उससे भी बेटर, उससे भी बढ़ के मैं पूछते हो सर, डांट देते हो आपको? अरे वो उल्टा पूछते हैं कि मुझे कुछ पूछो, चिल्ला चिल्ला कर पूछते हैं, नहीं पूछते हैं। हाँ, पूछते हैं भाई, डाउट रहना नहीं चाहिए, है कि नहीं? जो चीज़ आप सोच के एशिया टेलीकॉम ज्वाइन किए हैं वो चीज़ आपको मिली कि नहीं मिली? नहीं, जितना भी डाउट हो सब पूछते हैं, सब क्लियर होता है सर। एक बात बताइए, जो सोच के आप एशिया टेलीकॉम ज्वाइन किए थे वो चीज़ आपको मिली कि नहीं मिली? बिल्कुल 100% मिली और उससे बेटर मिली सर, बेटर मिली क्या थे उससे भी ज़्यादा मिली। पैसा वसूल है कि नहीं? पैसा बिल्कुल वसूल है सर। पैसा वसूल है जी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। उड़ीसा से? उड़ीसा से हैं। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? मक्खन करवा देंगे आपसे तीसरे दिन, आईसी निकलवा के चालू करवा लेंगे जी सर। जो चीज बोला, जो क्या कमेंटमेंट जो की गई है आपको, वो चीज आपको मिली कि नहीं मिली? ज्यादा मिल रही है सर, ज्यादा मिल रही है। तुम प्रीतम जी आसाम से हैं, तो प्रैक्टिकल में कोई सा भी डाउट होता है तो आपको पीछे टीचर्स होते हैं? नहीं होते हैं, नहीं वैसे बोलते हैं हम लोगों को, अगर नहीं जानना होता है फिर भी हम लोग, जो नहीं जानता है, जो जान गया तो जान गया, फिर भी वो और एक आदमी को उठा के खड़ा करके क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा ऐसा कैसे हुआ, कैसे हुआ बताओ, जो नहीं बता सकते उसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार और जितना बार हो सके उतना बार बताते हैं। तो बताइए कि पहले का ये रिबोल करके रखा हुआ, देखिए आप CPU भी निकाल रखा है और ये ये बताइए कौन से ब्रांड का बोर्ड है? ये वीवो का, पंजाब से। पंजाब से हैं, तो सबसे मैंने पूछूं आपके पंजाब में भी तो बहुत से इंस्टीट्यूट है, तो आपने एशिया टेलीकॉम ही क्यों चुना? क्योंकि सर मैं रिव्यूज़ ऑफ मेरा फ्रेंड भी आया था यहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि अच्छे वहाँ पे टीचर हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। ये कौन से फ़ोन का है? ये बगल में जो आपका ये फ़ोन नीचे वाला, ये वाला कौन सा बोर्ड है? ये एक इसमें का है, किसमें का? और ये कौन सा बोर्ड है? ये वीवो का है। वीवो का बोर्ड है, तो ऐसा लगा क्या कि ये वीवो का है तो हार्ड होगा और ये दूसरे ब्रांड का तो ये हार्ड होगा? इसका तो मैंने सिम सॉकेट वगैरह सब निकाल दिया, इसका तो आपने बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ा है? कुछ नहीं छोड़ा सर। एक बात बताइए, किसी भी तरीके से कोई भी हीट की मैं बात करूँ, एयर की बात करूँ, तो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल एग्जैक्टली बताई गई? हाँ, एकदम फिक्स बताया गया कि इतना ही रखना है, इससे ऊपर ना नीचे। अभी बच्चे यहाँ आना चाहते हैं बिंदास आए, बिना डरे बिना हिचकिचाहट के, क्योंकि वो लोग जो सोच के आएंगे उनसे ज़्यादा ही मिलेगा उनको। जो सोच के आए तो उससे ज़्यादा मिलेगा। हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि बिंदास आए जो आना चाहते हैं। बाद में पूछे बना के दिखाया गया और कुछ सेटों को तो स्टूडेंट ही बनाए हैं। 25% फ़ोन जो है स्टूडेंट खुद खुद बनाए हैं गाइडलाइन मिलने के बाद। तो जो भी चीज़ें हैं जो डायग्नोस करते हैं वो जरूरी है कि नहीं जरूरी है? बहुत जरूरी। जो डायग्नोस करके दी जाती है वो मिलता है कि नहीं मिलता है? सब जितना भी बताया गया है सेम उसी तरह से इसमें काम करते हैं और उसी से पूरा समस्या हल हो जाता है। हो जाता है। हाँ, ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत बढ़िया सर, कह नहीं सकते। पैसा वसूल है? एकदम पैसा वसूल। चलिए ठीक है, थैंक यू। मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीखो निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? वाई वन है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं?
बिहार से। बिहार से हैं। हाँ सर। चलिए, आज आपकी एमएमसी के कितने दिन की क्लास हुई? एमएमसी क्या तीसरे दिन की क्लास है। तीसरे दिन की क्लास में आपको प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, जो भी थ्योरी आपको दी जा रही है आपके साथ के साथ उसका प्रैक्टिकल मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सर, अभी भी किया आपने? आपकी थ्योरी चल रही थी अभी तक? अभी थ्योरी चल रही थी, प्रैक्टिकल हम लोग का शुरू हो चुका है। अभी आपका हैंड स्किल पे काम करा रहे हैं। एक बात बताइए कि आप ये मेरे पास बिल्कुल C2 का ऑन है, ब्लैक टेस्टेड पावर आईसी है। मैंने दो दिन पहले CPU MMC का काम किया था, आज मैं पावर आईसी छोटे छोटे जितने टेस्टेड आईसी है उसका सारा काम है। तो ये ऑन, वो ऑन है, बिल्कुल फोन बिल्कुल ऑन है। अभी इसका निकालूंगा और लगाऊंगा। चालू फोन पे आप काम? चालू फोन पे काम। प्रिंस जी, कि आज पहले दिन से हालांकि देखा जाए तो आपसे आईसी पे काम करवाया जा रहा है, और तीसरे दिन ही हमने आपके लाइव 4G फोन का पावर और चौथे दिन में 4G फोन का CPU बिल करवाया था। यस सर। तो आप क्या पहले दिन की अपेक्षा आज आपको डर लगेगा? डर इससे तो ऑन पे कर रहा हूँ सर, डर लगता तो ऑन बोल्ट पे क्यों काम करता? अंदर से कोई भी डर नहीं, ऑन बोल्ट पे काम कर सकता हूँ बिल्कुल टेंशन फ्री होके, बिल्कुल अंदर से फुल सेटिस्फेक्शन हो, फुल इसको निकाल के लगा सकता। तो प्रिंस जी, अगर मैं बात करूँ आपसे कि पहले दिन से लेके अभी तक का कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट रहा। जो सोच के आप एशिया लीग हम ज्वाइन किए थे उससे भी बेटर सर, उससे भी बेटर, उससे भी बढ़ के मिला, उससे भी बढ़ के बहुत। तो अभी MC में ही बहुत कुछ मिला न्यू, जो कभी 7 साल में YouTube से देख के कभी नहीं कर पाया। 5-6 साल से मोबाइल के फील्ड में 6 साल से काम कर रहा हूं। अच्छा प्रिंस जी, मैं पूछूं अगर आपसे, तो आप 6-7 साल में आपने कोई ब्लैक पेस्टेड पे या व्हाइट पेस्टेड पे काम किया था क्या? पेस्टेड को कभी हाथ ही नहीं लगाया सर। पेस्टेड आपने कभी हाथ नहीं लगाया? तो एक बात बताइए, आप ब्लैक पेस्टेड EMMC हो आज, तो हालांकि आप पावर पे काम कर रहे हैं, तो आपने EMMC पे और CPU पे तो काम कल ही कर चुके हैं। कल और परसों मिला के 2 दिन में आपने CPU EMMC दोनों निकाला है, हालांकि 2-3 फोन के निकाला है। 3 फोन का निकाला। तो बताइए, अभी किसी भी तरीके से कुछ हार्ड लग रहा है क्या? बिल्कुल हलवा लग रहा है। हलवा लग रहा है, हलवा। तो एक बार और जरा दिखा दीजिए बोर्ड। क्या नाम है आपका? नीलेश। नीलेश जी, थोड़ा सा तेज बोलिएगा। अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं CPU रिवॉल्व कर रहा हूँ। CPU रिवॉल्व कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, CPU तो आप यूनिवर्सल में ही रिवॉल्व कर रहे हैं पहले दिन से ही? हालांकि मैं बात कर रही हूँ जी, कि तीसरे दिन की क्लास में आपको ब्लैक पेस्टेड पे काम कर रहे हैं, तो ब्लैक पेस्टेड पे काम करके अभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जैसा कि हम बोलते थे कि आपसे ब्लैक पेस्टेड बिल्कुल मक्खन करवा देंगे, तो वो मक्खन हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, हो गया। हो गया? यस सर। बताइए अभी कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया सर। अब आपको CPU दे दे, ओप्पो हो या वीवो हो, रियलमी हो, कोई सा भी आपको EMMC दे दे या फिर CPU दे दे उठाने के लिए, तो बिल्कुल आसानी से उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे? सर, किसी भी तरीके का आपको डर लगेगा? नहीं सर। नहीं सर, नहीं लगेगा? नहीं सर, इतना कॉन्फिडेंस आ गया आपको? हालांकि देखिए, पहले दिन से ही आप IC पे काम कर रहे हैं, है कि नहीं है? यस सर। चालू फोन दे दे अगर आपको, मैं रियलमी का दे दूँ या ओप्पो का दे दूँ, वीवो का दे दूँ, कोई सा भी दे दूँ, तो कर पाएंगे उसको? यस सर, कर पाएंगे। तो ओवरऑल एक बार जरा बोर्ड दिखाइए, देख सकते हैं कि इन्होंने CPU निकाला हुआ है, CPU और EMMC दोनों निकाला हुआ है, है ना? अभी आप इसमें रिवॉल्विंग भी कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, अगर इसमें से कोई प्रिंट उखड़ जाए तो क्या उसको दोबारा से आप रिपेयर कर पाएंगे? मान लीजिए किसी लाइन का पिन हो तो? यस सर, हो जाएगा। और बात करें उसके पहचान की, कि NC है कि लाइन है, तो उसको पहचान पाएंगे? नहीं सर, पहचान पाएंगे। पहचान पाएंगे। अब मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि एशिया टेलीकॉम के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, यहाँ के टीम के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बहुत बढ़िया सर। ऐसा तो नहीं है कि 2-4 महीने काम करके कोई यहाँ पे आके टीचर टीच कर रहा हो? नहीं नहीं, ऐसा है क्या? बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो ऐसा है कि मतलब टीचर अपनी एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को देते हैं? नहीं देते हैं। देते हैं ना सर। देते हैं, कुछ छुपाते तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं। अगर कोई आपको EMMC UFI में आपको कोई डाउट होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि सर से आप पूछते हो, सर डांट देते हो आपको? अरे वो उल्टा पूछते हैं कि मुझे कुछ पूछो, चिल्ला चिल्ला कर पूछते हैं? नहीं पूछते, हाँ, पूछते हैं। भाई डाउट रहना नहीं चाहिए, है कि नहीं? जो चीज़ आप सोच के एशिया टेलीकॉम ज्वाइन किए हैं, वो चीज़ आपको मिली कि नहीं मिली? क्या नाम है आपका? बाल कृष्ण। बाल ला जी, कैसे हैं आप बताइए? महाराष्ट्र से हैं आप? हाँ जी सर। तो चलिए, महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आने वाले लोगों को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए सर। क्यों आना चाहिए? आपको कुछ सीखना है, डीप में नॉलेज लेना है, तो एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना पड़ेगा। आप जो चीज़ सोच के एशिया टेलीकॉम ज्वाइन किए हैं, वो चीज़ आपको मिली कि नहीं मिली? बिल्कुल मिली है सर। आज आपकी EMMC के कितने दिन की क्लास हुई? आज तीसरे दिन। तीसरे दिन के क्लास में अगर मैं बात करूँ आपसे, अभी थोड़ी देर पहले आपकी थ्योरी समाप्त हुई है, तो बताइए कोई डाउट रह गया क्या कोई भी थ्योरी में? 3 दिन की क्लास की मैं पूरी ओवरऑल में बात करूँ, तो कोई भी क्लास में कोई डाउट रह गया क्या आपका? नहीं सर, पूरा मिलन सर ने क्लियर कर दिया सर, डाउट जो थे हमने पूछा है मिलन सर ने, वो क्लियर। जो भी डाउट्स है, मैं बात करूँ पहले दिन से लेके अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा क्लास होता है क्या जिसको लेके सर पूछते ना हो? पर्टिकुलर किसी भी टीचर्स की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि पहले दिन से लेके अभी तक की, कि कोई भी टीचर्स आपसे ऐसा करते हैं क्या कि आपको डाउट है तो आपको डाउट में ही छोड़ देते हो? नहीं नहीं, जितना भी डाउट हो सब पूछते हैं, सब क्लियर होता है सर।
एक बात बताइए, जो सोच के आप एशिया टेलीकॉम ज्वाइन किए थे वो चीज़ आपको मिली कि नहीं मिली? बिल्कुल 100% मिली और उससे बेटर मिली सर। बेटर मिली क्या थे, उससे भी ज़्यादा मिली। पैसा वसूल है कि नहीं? पैसा बिल्कुल वसूल है सर। पैसा वसूल है जी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। उड़ीसा से। उड़ीसा से हैं। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? EMC निकल रहा है। EMC पेस्टेड है कि नॉन पेस्टेड है? थोड़ा जूम करके दिखाइए फोन में। पेस्टेड है। पेस्टेड है सर। तो एक बात बताइए, अभी ब्लैक पेस्टेड पे काम करने में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है? नहीं नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं है। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। नहीं सर, ऐसा कैसे पॉसिबल है सर? एशिया टेलीकॉम में पॉसिबल है। पॉसिबल है यार जी सर। तो जो चीज़ आप सोच के आए थे एशिया टेलीकॉम, वो चीज़ आपको मिला कि नहीं मिला? ज़्यादा मिल रहा है सर। ज़्यादा मिल रहा है। हालांकि पहले दिन से ही सर बोलते हैं कि आपको ब्लैक पेस्टेड बिल्कुल मक्खन करवा देंगे आपसे, तीसरे दिन IC निकलवा के चालू करवा लेंगे है जी सर। जो चीज़ बोला, जो क्या कमेंटमेंट जो की गई है आपको, वो चीज़ आपको मिली कि नहीं मिली? ज़्यादा मिल रही है सर। ज़्यादा मिल रही है जी सर। तो ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया सर। UFI का जो आपका थ्योरी का चल रहा है, प्रैक्टिकल का चल रहा है, किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल हम लाइव चल रहे हैं, बताइए लाइव में जी सर। कोई डाउट आपको छोड़ा गया? कोई भी डाउट नहीं सर। कोई डाउट नहीं है। आगे एक बात बताइए, आप तो ये मेरे ख्याल से कौन सा बोर्ड है, ये रेडमी है या वीवो है? वीवो। वीवो का बोर्ड है। हमने आपको बोला क्या कि वीवो का, ओप्पो का, रियलमी का हो या वन प्लस का हो, कोई सा भी ब्लैक पेस्टेड हो वो हार्ड होता है, बोला क्या हमने? नहीं नहीं नहीं, कोई सारे पेस्ट निकालने का प्रोसेस वही है कि अलग है? वही है सर। ऐसा तो नहीं हो कि वीवो के लिए अलग हीट एयर बताते हो या फिर ओप्पो के लिए अलग हीट एयर बताते हो, ऐसा नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल ओके है। बिल्कुल ओके। जो चीज़ आपको समझाया गया है वो चीज़ समझ में आई है? कॉपी में नोट्स बनाया नहीं आपने? बनाया सर। अगर भाई जब नोट्स आपके दिमाग से स्किप हो जाए तो उसके लिए हमारे पास क्या सुविधा है? रिकॉर्डिंग का भी है। रिकॉर्डिंग का है और साथ में सपोर्ट क्या है? सपोर्ट सार भी है, एशिया टेलीकॉम भी है। एशिया टेलीकॉम है बोले तो पैसा वसूल है कि नहीं है? वसूल है सर। वसूल है आपका हुआ? ये सर। अगर आपको देख के कोई उड़ीसा से आना चाहे या फिर कहीं से ऑल ओवर इंडिया से आना चाहे तो उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? जरूर आ सकता है, एशिया टेलीकॉम में ज्वाइन कर सकता है। प्रीतम जी आसाम से हैं। तो प्रैक्टिकल में कोई सा भी डाउट होता है तो आपको पीछे टीचर्स होते हैं नहीं होते हैं? नहीं, वैसे बोलते हैं हम लोगों को अगर नहीं जानना होता है फिर भी हम लोग, जो नहीं जानता है, जो जान गया तो जान गया, फिर भी वो और एक आदमी को उठा के खड़ा करके क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा ऐसा कैसे हुआ, कैसे हुआ बताओ, जो नहीं बता सकते उसको दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, और जितना बार हो सके उतना बार बताते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप दो बार चार बार पूछते हो या फिर कोई टीचर नाराज होकर डांट देता हो कि ऐसा क्यों पूछ रहे हो जब हमने तुमको पढ़ाया तो फिर क्यों नहीं दिमाग में? नहीं नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा नहीं है। एक बार बताइए, तीन दिन की क्लास में आपने ब्लैक पेस्टेड पे भी काम, हैंड स्किल पे भी पहले दिन से अपन काम करवा रहे हैं आपसे, है कि नहीं है? हैंड स्किल के बारे में मैं बात करूँ अगर आपसे तो ब्लैक पेस्टेड का भी काम चल रहा है आपका, तो बताइए किसी पहले का ये रिबोल करके रखा हुआ, देखिए आप CPU, इन्होंने CPU भी निकाल रखा है और ये देखो, ये बताइए कौन से ब्रांड का बोर्ड है? ये वीवो का है, ये लेनोवो का है और ये है इनका वीवो का। तो बताइए इसमें से अगर कोई प्रिंट उखड़ जाए बाई दबे बाई चांस रेयर केस में अगर कोई प्रिंट उखड़ जाए तो उसको आप रिपेयर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। माइक्रो जंपरिंग से हो जाता है? माइक्रो जंपरिंग से हो जाता है। पहचान पाएंगे आप? यस सर। एक बात बताइए, पैसा वसूल है कि नहीं? पैसा वसूल है सर। ईमानदारी से बताइए, पैसा वसूल है? ऐसा तो नहीं है कि हम वीडियो में आपसे पूछ रहे हैं इसलिए आप डर के बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, डर का क्या है? डर का क्या है, सच बात है। तो एक बात बताइए, हैंड स्किल की मैं बात करूँ, हैंड स्किल आपकी इंप्रूवमेंट हुई कि नहीं? हाँ बहुत बहुत। हम लोगों आप इससे पहले कभी IC पे काम किया था आपने? नहीं। ब्लैक पेस्टेड पे कभी काम नहीं किया था आपने ना? नॉर्मल IC पे काम किया? कहाँ सीखा आपने? यहाँ पे आके एशिया टेलीकॉम। कितने दिन में आपने IC का काम सीख लिया था, सच बताइए? पहले तो स्टार्टिंग से हम लोगों को दो दिन से ही IC का काम शुरू हो गया था, उसके बाद धीरे 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 हम लोगों को और अच्छा होता गया। और अच्छा हो गया। तो ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत बढ़िया। जो सोच के आपने एशिया टेलीकॉम ज्वाइन किया था वो चीज़ आपको मिली कि नहीं मिली? जी सर बहुत। पंजाब से हैं। तो सबसे मैंने पूछूं आपसे, पंजाब में भी तो बहुत से इंस्टीट्यूट है, तो आपने एशिया टेलीकॉम ही क्यों चुना? क्योंकि सर मैं रिव्यूज़ अब मेरा फ्रेंड भी आया था यहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि अच्छे वहाँ पे टीचर हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि आप पहले दिन से IC पे काम कर रहे हैं और आप इस लेवल पे पहुँच गए हैं कि आप ब्लैक पेस्टेड व्हाइट पेस्टेड पे भी पहुँच चुके हैं? जी सर। तो एक बात बताइए कि ब्लैक पेस्टेड पे काम करके अभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सर। बढ़िया लग रहा है? बिल्कुल सर। आपने IC निकाला भी है जैसा कि देख सकते हैं? जी सर। जूम करके थोड़ा सा दिखाइए। एक बात बताइए, इसमें तो कोई प्रिंट गया है क्या? नहीं सर। है? कोई भी नहीं गया। कोई सा भी प्रिंट नहीं गया? नहीं, एक भी नहीं गया।
अभी काम करके कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया जी। जो आपके फ्रेंड ने रेकमेंड किया था कि आप एशिया टेलीकॉम ही ज्वाइन करें, तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने गलत रेकमेंड कर दिया आपको? नहीं नहीं सर, बिल्कुल सही रेकमेंड किया था। सही रेकमेंड किया था उन्होंने। तो अब मैं आपको एक बात बताइए, तो पता नहीं कौन से बोर्ड का है ये, पर आपको ओप्पो वीवो रियलमी कोई सा भी दे दूँ तो अभी आप ब्लैक पेशेंट का काम कर पाएंगे? नहीं सर। अभी आपके हाथ कांपेंगे क्या? नहीं। हालांकि आप पहले दिन से आप काम कर रहे हैं आईसी लेवल पे। जी जी। अब काम कर कांपेगा क्या? नहीं नहीं सर। है छत्तीसगढ़ से? छत्तीसगढ़ से ही है। तो चलिए बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत बढ़िया। आपने इसका सीपीयू भी निकाल रखा है, ईएमएमसी भी निकाल रखा है और इसमें पावर भी निकाल लिया है आपने। एक बार बताइए ये तीनों आईसी निकालने में कोई प्रिंट गया क्या आपसे? नहीं, एक भी प्रिंट नहीं गया। एक भी प्रिंट नहीं गया। आप कितने दिन से ब्लैक पेस्टेड पे काम कर रहे हैं? यहाँ आए तब से, वैसे तो आईसी पे काम कर रहे थे यहाँ आए तब से, लेकिन ब्लैक पेस्टेड में कल या परसों से। ब्लैक पेस्टेड पे आप तीसरे दिन से काम कर रहे हैं? हाँ। तीसरा दिन है आज आपका? हाँ, तीसरा दिन है। तो एक बात बताइए कि आप आईसी पे काम करते थे आप, तो क्या सक्सेस मिलता था क्या उसमें? आईसी पे काम ही नहीं करते थे पहले। आईसी पे आप पहले से ही काम नहीं करते थे? हाँ। मोबाइल के फील्ड में कब से है अगर मैं पूछूं आपसे? साल भर हो गया, लेकिन मतलब मोबाइल का छोटा सा शॉप था, रिपेयरिंग वगैरह नहीं करता था, चार्जिंग कनेक्टर वगैरह ही सब बदलता था। तो ब्लैक पेस्टेड आपने नाम सुना था? व्हाइट पेस्टेड होता है, ब्लैक पेस्टेड होता है। वैसे तो जानता था ब्लैक पेस्टेड व्हाइट पेस्टेड सुना था, लेकिन ये नहीं जानता था कि इन ऐसा सबको बोलता है, मेहनत करना पड़ता है। एक बात बताइए कि अब ब्लैक पेस्टेड को आईसी को, कोई भी आईसी हो, पावर हो, ईएमएमसी हो या फिर सीपीयू हो, तो निकाल के क्लीन करने में, रिवॉल्व करके डालने में आपको कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। 10 मिनट? हाँ, 10 से 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लगता। क्लीनिंग प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो क्लीनिंग प्रोसेस कैसा लगा? एकदम बेहतरीन लगा। उसका कितना ट्रिक, हीट रखना है, ट्रिक बताया गया कि सही तरीके से कैसे करना है, आपको ग्लू कटिंग करना है, ये सब सारी चीज़ें आपको बताई गई? हाँ, पूरा बताया गया। कॉपी में नोट्स बनवाया गया? नहीं बनवाया। हाँ, वो भी बनवाया गया ताकि कभी भूलते हैं तो उसको देख सके। देख पा सके। ऐसा बताइए, वो भूलेगा क्या आपको? नहीं सर। भूलेगा क्या आपको? नहीं, क्योंकि आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जैसे कि हमारी यूएफआई की आपकी थ्योरी होती है, उसके बाद डायरेक्ट प्रैक्टिकल करवाया जाता है, और उसके बाद जैसे हैंड स्किल की बात होती है, तो इसमें जो चीज़ आपको थ्योरी बताई है उसी का भी डायरेक्ट तुरंत प्रैक्टिकल भी होता है, तो बोलने वाली चीज़ है क्या? नहीं, वो किसी प्रकार का अगर डाउट होता है और आप टीचर्स से पूछते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि टीचर्स डांट देते हों कि नहीं नहीं बाद में पूछना या फिर कल पूछना, ऐसा होता है क्या? सर, ऐसा है कि पढ़ाते ऐसे हैं कि डाउट बचता नहीं है, और एक आध दो डाउट बच भी जाए तो उसे हम लोग पूछ के क्लियर कर लेते हैं, और ना पूछे तो यहाँ के टीचर ऐसे हैं कि वो खुद बोलते हैं कि पूछो, क्यों नहीं पूछ रहे हो, कोई डाउट रह गया हो तो पूछो, ऐसे करके। फोन का है ये? कौन से फ़ोन का है ये बगल में जो आपका ये फ़ोन नीचे वाला, ये वाला कौन सा बोर्ड है? ये एक इसमें का है, किसमें का, और ये कौन सा बोर्ड है? ये वीवो का है। वीवो का बोर्ड है, तो ऐसा लगा क्या कि ये वीवो का है तो हार्ड होगा, और ये दूसरे ब्रांड का तो ये हार्ड होगा? इसका तो मैंने सिम सॉकेट वगैरह सब निकाल दिया। इसका तो आपने बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ा है? कुछ नहीं छोड़ा सब। एक बात बताइए, किसी भी तरीके से कोई भी हीट की मैं बात करूँ, एयर की बात करूँ, तो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल एग्जैक्टली बताई गई? हाँ, एकदम फिक्स बताया गया कि इतना ही रखना है, इससे ऊपर ना नीचे, ऐसे करके। तो समझ में आया? बिल्कुल पूरा समझ आया। तभी तो ऐसा चाहेंगे एक साथ में अगर मैं पूछूँ एशिया टेलीकॉम के लिए क्या बोलना चाहेंगे? सर, मैं बोलूँगा कि जो भी बच्चे आना चाहते हैं बिंदास आएँ, बिना डरे, बिना हिचकिचाहट के, क्योंकि वो लोग जो सोच के आएंगे उनसे ज़्यादा ही मिलेगा उनको। आपको जो सोच के आए तो उससे ज़्यादा मिलेगा? हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि बिंदास आएँ जो आना अच्छा, चाहते हैं। बाद में पूछूंगा आपसे कि यहाँ के टीचर्स के बारे में अगर मैं पूछना चाहूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि डाउनग्रेड हो और जो अपडेटेड फ़ोन हो उसके लिए टीचर्स अपडेट ना हो पहले से? नहीं सर, यहाँ के टीचर का लेवल ही अलग है। यहाँ कुछ भी क्वेश्चन करो तो टीचर को सोचना नहीं पड़ता कि किस टाइप से आंसर दूँ, उनको सवाल पूछते ही उनके दिमाग में जवाब रहता है। जैसे पूछते हैं फट से आंसर आ जाता है। नहीं तो फिर ऐसे होता है कि अगर प्रॉपर नॉलेज ना हो तो हम पूछें तो सर एक बार खुजलाएगा, हाँ इसका क्या, ऐसे कुछ नहीं है, तुरंत पूछो तुरंत आंसर मिलता है, टाइम मिलता है। हाँ, क्योंकि देखिए यहाँ के टीचर्स अपडेट ऐसे रहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ग्रुप में एक्टिव रहते हैं, फॉल्ट आता है उससे भी अपडेट रहते हैं, अपन डायरेक्ट आपके जो फॉल्टी फ़ोन लेके आते हैं उसको भी अपन देखते हैं, डायग्नोस करते हैं। आपके डायग्नोस हुए थे नहीं हुए थे? वैसे मैं तो सेट ही नहीं लाया था सर, क्योंकि मैं तो मोबाइल का काम ही नहीं करता था ज़्यादा, और बाकी जितने भी स्टूडेंट लाए थे उनका लाइव प्रैक्टिकल यहीं पे उनके सामने डायग्नोस करके बना के दिखाया गया, और कुछ सेटों को तो स्टूडेंट ही बनाए हैं। उन 25% फ़ोन जो थे स्टूडेंट खुद खुद बनाए हैं गाइडलाइन मिलने के बाद। तो जो भी चीज़ें हैं जो डायग्नोस करते हैं वो जरूरी है कि नहीं जरूरी है? बहुत जरूरी। जो डायग्नोस करके दी जाती है वो मिलता है कि नहीं मिलता है? सब जितना भी बताया गया है
सेम उसी तरह से इसमें काम करते हैं और उसी से पूरा समस्या हल हो जाता है। हो जाता है। हाँ, ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत बढ़िया सर, कह नहीं सकते। पैसा वसूल है? एकदम पैसा वसूल। चलिए ठीक है, थैंक यू।